स्वस्थ और सुखी होंगे। खबरों का सिलसिला चालू करते हुए चुनाव आयोग जल्द ही वोटर आई कार्ड को डिजिटल फॉर्मेट में बदलने करने की योजना पर काम कर रहा है। आसान शब्दों में समझे तो आने वाले समय में वोटर्स आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड को भी डिजिटल फॉर्मेट में अपने पास रख सकेंगे। हालांकि मौजूदा फिजिकल कार्ड में भी वोटर्स के पास रहेगा। मौजूदा वोटर कार्ड होल्डर्स को वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए केवाईसी कराने की भी यह सुविधा मिलेगी। चुनाव आयोग का मकसद मतदाताओं को इलेक्ट्रस फोटो आइडेंटिटी कार्ड की सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद नए मतदाता अपना वोटर कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड कर सकेंगे। यही नहीं, इस डिजिटल कार्ड के जरिए वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसके अलावा मतदाता को वोट कार्ड मिलने में देरी के कारण होने वाली परेशानियों से भी निजात मिल पाएगी। वहीं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के दर्ज सर्विस वोटर्स के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। हालांकि अभी विदेश में रहने वाले भारतीयों को मतदान की सुविधा नहीं दी गई है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर भी एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है। ओवरसीज भारतीयों को वोटर कार्ड भी जारी नहीं किया जाता। चुनाव आयोग की तैयारी पूरी है। इस पर मोहर लगने के बाद अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले देश भर में मतदाताओं को यह सुविधा मिल पाएगी। UIDAI के आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है। UIDAI के मुताबिक आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता और जन्म तिथि को अपडेट करने के लिए आप जिस भी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके नाम पर ही होना चाहिए और वैलिड हो। आइए आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। UIDAI के मुताबिक वह आधार में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए 32 डॉक्यूमेंट स्वीकार करती है। प्रूफ ऑफ द रिलेशनशिप के लिए 14 डॉक्यूमेंट, TOB के लिए 15 और प्रूफ ऑफ द एड्रेस के लिए 45 डॉक्यूमेंट स्वीकार करती है। UIDAI के मुताबिक जिन लोगों के पास खुद के नाम पर कोई मान्य दस्तावेज नहीं है वह UIDAI के द्वारा अप्रूव स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार कार्ड इंटॉलमेंट नाम पता जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ग्रुप ए या बी के रजिस्टर्ड अधिकारी ग्राम पंचायत प्रमुख या मुखिया MP MLA MLC म्यूनिसिपल काउंसिल तहसीलदार किसी अन्य मान्यता प्राप्त श्रेणी संस्था के प्रमुख या सुप्रिंटेंडेंट या वार्डन या मैटर मान्यता प्राप्त शेल्टर होम या नाथल्य के इंस्टीट्यूट के प्रमुख द्वारा भी जारी होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश स्थित चिलहट्टी के बीच रेल मार्ग 55 साल के बाद 17 दिसंबर को पुनः खोला जाएगा। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। साल 1965 में भारत और तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान के बीच रेल संपर्क टूटने के बाद कूच विहार स्थित हल्दीबाड़ी और उत्तरी बांग्लादेश के चिलहट्टी के बीच रेलवे लाइन बंद कर दी गई थी। NFAR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनानंदन चंदा ने कहा कि रेल मार्ग बहाल करने के लिए चिलहट्टी से हल्दीबाड़ी तक एक मालगाड़ी जाएगी जो NFR के कटिहार डिवीजन में आता है। कटिहार मंडलीय रेलवे प्रबंधक रविंदर कुमार वर्मा ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को अधिकारियों को रेल मार्ग बहाल होने से अवगत कराया। इस मार्ग पर जब यात्री सेवा शुरू हो जाएगी तो लोग सिलीगुड़ी के पास स्थित जलपाईगुड़ी से कोलकाता 7 घंटे में पहुँचेंगे। इससे पूर्व यह यात्रा 5 घंटे का में कमी आएगी। खबरों का सिलसिला आगे जारी है। भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। वाहन निर्माता कंपनियां लगातार बाजार में नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं और युवाओं में इस वक्त स्पोर्ट्स बाइक का काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है। वह तरह तरह के स्पोर्ट्स बाइक खरीद कर अपना फैशन फॉलो कर रहे हैं। अधिकतर कंपनियां युवाओं के क्रेज को देखते हुए बाइक डिजाइन कर रही है। आज आपको कुछ ऐसी स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बताएंगे जो शानदार फीचर से लैस हैं और इस कैटेगरी में सबसे सस्ती हैं। यह बाइक आपके बजट में भी फिट आज हो जाती हैं। TVS की इस बाइक की एक्स शोरूम कीमत 97,600 रुपये है। यह बाइक कई शानदार फीचर्स से लैस है। इसमें 197.75 cc का सिंगल सिलेंडर इंजन है जो काफ़ी मजबूत है। कंपनी का दावा है कि यह बाइक 3.9 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी डिजाइनिंग भी काफ़ी शानदार है जो लोग काफ़ी पसंद आती है।
बजाज कंपनी की पल्सर बाइक मार्केट में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली स्पोर्ट्स बाइक है। यह अच्छे डिजाइन के अलावा धांसू इंजन के साथ आती है। पल्सर 2205 की डिजाइन की काफ़ी शानदार है। इसमें 220cc का इंजन है। इसका दूसरा मॉडल NS200 का इंजन पहले की अपेक्षा थोड़ा छोटा है, लेकिन काफ़ी मजबूत है। दिल में इसकी एक्स शोरूम कीमत 1,00,000 रुपये है। आपको एक और नई जानकारी देते हुए कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने गुरुवार को एक नया माइक्रो LED TV लॉन्च किया है। इसके जरिए दक्षिण कोरिया टेक दिग्गज अपने उपभोक्ताओं को घर पर मनोरंजन का एक बेहतरीन अनुभव देना चाहता है। सैमसंग की 110 इंच की माइक्रो LED TV की कीमत $1,56,400 होगी। नई लग्जरी TV के लिए प्री ऑर्डर इस महीने के आखिरी से शुरू होंगे और 221 की पहली तिमाही में इसकी आधिकारिक लॉन्चिंग होगी। सैमसंग ने कहा कि इसका लक्ष्य इस TV को संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व और कुछ यूरोपीय देशों में बेचने का है, लेकिन बाद में वह इसकी वैश्विक उपलब्धता का विस्तार करेगा। सैमसंग ने माइक्रो LED TV बाजार को बनाने और उसका नेतृत्व करने का लक्ष्य रखा है। सैमसंग ने कहा कि वह भविष्य में 70 इंच से लेकर 100 इंच तक के स्क्रीन साइज वाले माइक्रो LED TV को लाने का भी प्लान देखता है। खबरों का सिलसिला आगे जारी रखते हुए, अगर आप घर आए दूध को शुद्ध मानकर पी जाते हैं और सेहत बनाने के लिए सोचते हैं तो आप गलत हैं। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बाजार में नकली चीज़ें धड़ल्ले से बिक रही हैं और हर किसी को शुद्धता के पहचान करने की नहीं आती। आइए जानते हैं कैसे आप घर में आए दूध को पहचान सकते हैं। दूध में पानी मिला गया है, इसकी जांच करने के लिए आप दूध की एक बूंद किसी लकड़ी या पत्थर के टुकड़े पर गिराएं। अगर उस लकड़ी या पत्थर पर से दूध बहकर नीचे की तरफ गिरे और सफ़ेद निशान बन जाए तो समझ लीजिए आपके घर आया दूध शुद्ध है। अगर शुद्ध दूध में डिटर्जेंट मिला गया है तो उसकी भी जांच करने के लिए थोड़ी मात्रा में दूध को एक कांच की शीशी में लेकर जोर से हिलाएं। ऐसा करने पर अगर दूध में झाग निकलने लगे तो समझ लीजिए दूध में डिटर्जेंट मिला हुआ है। लेकिन यह झाग अगर 5 मिनट से ज़्यादा देर तक रहे तो आपका दूध बिल्कुल असली है। दूध को सूखने में भी यह पता लगाया जा सकता है कि दूध असली है या नकली है। दूध के नकली होने पर उसमें साबुन की तरह गंध आती है। वही दूध अगर असली होगा तो उसमें कभी भी इस तरह की गंध नहीं आएगी। आप शुद्ध दूध की शुद्धता की पहचान करने के लिए थोड़ा सा दूध को दोनों हाथों में लेकर रगड़िए और दूध को असली होने पर हथेली में कभी चिकनाहट महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर दूध नकली होगा तो हथेली में रगड़ने पर डिटर्जेंट की तरह चिकनाहट महसूस होगी। और दूध शुद्ध है या नहीं इसकी पहचान करने के लिए आप दूध को देर तक रख भी सकते हैं। और असली दूध जो होगा वो अपनी जो रंग है वो नहीं छोड़ेगा। अगर थोड़े टाइम अगर वो रखा रहेगा तो आप देखेंगे कि उसमें थोड़ा सा पीलापन आ जाता है। तो ऐसे ही नकली दूध की आप पहचान कर सकते हैं। अगर दूध सिंथेटिक है तो उसमें यूरिया मिला गया है तो दूध को गाढ़े पीले रंग का भी हो जाता है। आखिर में आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि भारत के बढ़ते बाजार को देखते हुए वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र मानी जाने वाली अमेरिकी बहुराष्ट्रीय रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने भारत में बने प्रोडक्ट के निर्यात को बढ़ाने का फैसला किया है। वॉलमार्ट 1987 तक $3 बिलियन 22 करोड़ 119 करोड़ रुपये में अपने माल के निर्यात को दोगुना करने के लिए $10 मिलियन की योजना बनाई है। इससे सेसिंग के विस्तार में खाद्य फार्मास्यूटिकल्स उपयोगिता की सामग्रियां, स्वास्थ्य और कल्याण सामान्य व्यापार, परिधान, होमवेयर और अन्य जरूरी सामान निर्यात श्रेणी में जैसे कैटेगरी में सैकड़ों नए आपूर्तिकर्ताओं को विकसित करने की में मदद मिलेगी। वॉलमार्ट इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैकमिलन ने कहा कि वॉलमार्ट का मानना है कि वैश्विक खुदरा क्षेत्र की सफलता के लिए स्थानीय एंटरप्रेन्योर्स और मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है। वॉलमार्ट भारतीय सप्लायर के लिए यूनिक स्केल और वैश्विक वितरण अवसर प्रदान करके अपने बिजनेस और विकसित करने के लिए बड़ी संभावना देखता है। सवार डेली हैंड डेली होम सबसे निवेदन है कि पूरी वीडियो देखने के बाद कृपया लाइक करें, प्रेस बेल दबाएं और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।